इसी बीच लखनऊ से बड़ी खबर है, कल हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार। पहले आज योगी मंत्रिमंडल विस्तार की खबरें थी, लेकिन अब इसे कल तक के लिए टाल दिया गया है। आपको इसकी वजह भी बता देते हैं। पहला ये कारण है कि राज्यपाल आज लखनऊ से बाहर रहेंगे, और जो दूसरा कारण है वो ये है कि सभी आधिकारिक रूप से अगर अभी देखा जाए स्थिति जो है RLD NDA के सहयोगी दल के तौर पर अभी नहीं आई है, और इसीलिए ये दो बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से आज ना होकर कल मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लंबे वक्त से योगी कैबिनेट के विस्तार का इंतजार अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात कर मंत्रिमंडल विस्तार की जानकारी दी। ऐसे में अब ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि कल योगी सरकार अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकती है। के चुनाव से पहले योगी कैबिनेट का विस्तार। सहयोगियों को साधेगी BJP, CM की राज्यपाल से मुलाकात। लोकसभा चुनाव से पहले BJP यूपी में अपने सहयोगियों को साधने की कवायद में लग गई है। इसी कड़ी में योगी कैबिनेट के विस्तार की तैयारी कर ली गई है। दिल्ली से लखनऊ लौटते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। राजभवन में सीएम योगी और राज्यपाल की मुलाकात से पहले ही कैबिनेट विस्तार की चर्चा जोरों पर थी। मुलाकात के बाद इस बात पर मोहर भी लग गई। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक 5 विधायकों को कैबिनेट में जगह दी जाएगी। सुभाषपा के अध्यक्ष OP राजभर मंत्री बनाए जा सकते हैं। RLD कोटे से भी कैबिनेट के 2 नामों को जगह मिल सकती है। RLD से राजपाल बलियान और प्रकाश चौधरी मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं BJP से दारा सिंह और आकाश सक्सेना का नाम भी संभावित मंत्रियों में शामिल है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के लंबे समय से चर्चाएं चल रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है, जब भी वो आवश्यकता समझेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के साथ परामर्श करके अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं बहुत तेजी से फैली हुई हैं। कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल विस्तार भारतीय जनता पार्टी का ड्यू भी है, और विकास के कार्य के लिए मंत्रिमंडल विस्तार जरूरी भी होता है, क्योंकि इनके कुछ सहयोगी काफी समय से मंत्रिमंडल विस्तार की बात कर रहे हैं, जैसे ओम प्रकाश राजभर जी, और निरंतर शायद एक जो विस्तार है वो ड्यू चल रहा है, इसलिए भी ये हवाएं कहीं ना कहीं तेजी से चल रही हैं। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी, पिछड़ों की, दलितों की, अल्पसंख्यकों की, शोषितों की, वंचितों की लड़ाई लड़ती आ रही है, और इन सबकी जो मुखर आवाज है वो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी को कभी भी सत्ता का कोई लोभ नहीं रहा, सत्ता का कोई मोह नहीं रहा। जहां तक सूत्रों के माध्यम से मंत्री पद विस्तार की जो बात चल रही है, इसके बारे में आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ NDA का जो भी शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा। जब से OP राजभर समाजवादी पार्टी का दामन छोड़कर NDA के साथ आए थे, तभी से उन्हें योगी कैबिनेट में शामिल किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन अब RLD के साथ आने के बाद लोकसभा चुनाव से ठीक पहले BJP ने कैबिनेट विस्तार का फैसला ले लिया है। लखनऊ से जी मीडिया के लिए विशाल रघुवंशी की रिपोर्ट। और सब जानकारी के लिए इस वक्त मयूर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर का सीधा रुख कर लेते हैं। मयूर, चूंकि सभी की निगाहें इसी बात पर है कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, हालांकि पहले खबरें थी कि आज हो जाएगा, लेकिन अब कई बड़े रीजंस भी सामने आ रहे हैं। राज्यपाल वहां पर मौजूद नहीं है, RLD जिस तरह से ऑफिशियली तौर पर अभी BJP के साथ नहीं आई है, ये भी एक बड़ा रीजन माना जा रहा है जिसकी वजह से कल विस्तार होगा ना। बिल्कुल, देखिए पिछले 6 महीने से एक मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर जो कयासें लगाई जा रही थी, अब वो धीरे धीरे कम होने का नाम ले रहा है, यानी कि अब मंत्रिमंडल विस्तार लगभग तय है। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह बैठक में मौजूद रहे JP नड्डा के साथ, जिसमें मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा हुई, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई, और बात यह भी बताई जा रही है कि भाजपा के तमाम ऐसे विधायक हैं जिनको मंत्री बनाया जा सकता है। इसी के साथ ओम प्रकाश राजभर, जो कि शर्त पे
भारतीय जनता पार्टी के साथ आए समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ के कि उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, उनको लोकसभा चुनाव लड़ाया जाएगा। लंबे समय से वो भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ये कहते रहते हैं कि मैं तो बन के रहूंगा मंत्री चुनाव से पहले। तो ऐसे में अब बड़ी चुनौती है भाजपा के सामने कि जो उनके साथ जो दूसरी पार्टियां हैं उनको कैसे साथ के चलना है। तो ओम प्रकाश राजभर आरएलडी के दो जो है विधायकों को मंत्री बना सकते हैं, एक को कैबिनेट मंत्री एक को राज्य मंत्री बनाने की बात सामने आ रही। हालांकि अभी ऑफिशियली तौर पे आरएलडी एनडीए गठबंधन के साथ नहीं आई है, तो यह भी एक पेच जरूर फंस रहा है। जरूर राज्यसभा चुनाव में सपोर्ट किया था भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को, लेकिन अभी ऑफिशियली सामने नहीं आ पाए हैं। तो ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि क्योंकि आज राज्यपाल है नहीं, वो बाहर है, तो अगले हफ्ते यानी कि मंडे या ट्यूजडे तक मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। सभी को साधने का जो है प्रयास किया जाएगा। दारा सिंह चौहान जो कि समाजवादी पार्टी से भाजपा में आया एमएलसी, उनको बनाया गया, तो वैसे में उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। तो जितने भी जातीय समीकरण है और जो अलग अलग जो क्षेत्रीय समीकरण है उसको साधते हुए तो ये एक बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन भाजपा संगठन और सरकार के बीच चल रहा है कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण को साधते हुए किसको मंत्री बनाना है, किसको तवज्जो देनी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है। ऐसे में उससे पहले कोई नाराजगी ना रहे, जो सहयोगी दल है किसी तरीके का कोई विवाद ना हो। काफी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं जब ये हम कह सकते हैं कि ये जो विस्तार है वो हो जाएगा। अभी के लिए मयूर आपका शुक्रिया जानकारी के लिए। खबरों